हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइम्स अप नाउ। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रियल मी सी वन के बारे में, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि डुअल कैमरा फ़ोन है और ये लॉन्च हुआ है आपका अक्टूबर 3 को। और इसके पैकेट में जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिया हुआ है अक्टूबर 2, 2018। तो इसके बॉक्स में क्या क्या कंटेंट मिलते हैं, ये फ़ोन कैसा है, तो इसका फुल रिव्यू मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें। इसका बॉक्स कंटेंट में आपको मिल जाएगा इसका अडैप्टर, जो कि 5 वोल्ट 1 एम्पियर का है, एक डेटा केबल, और इसका जो सिलिकॉन केस कवर है इसके साथ ही मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है, एडवांटेज है इस फ़ोन के लिए, क्योंकि आपको न्यूली मार्केट में जल्दी अवेलेबल मिलता नहीं है। जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो जाते हैं इसके सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको नीचे मिल जाएगा अबाउट फ़ोन, फ़ोन में आपको क्या क्या मिलता है, यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। तो मॉडल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका जो एंड्रॉयड वर्सन है वो 8.1 है। इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 450 ऑक्टा कोर है। रैम इसमें 2 GB का दिया गया है और जो इंटरनल स्टोरेज है वो 16 GB का है, जिसमें आपको यूजेबल मिलता है 7.28, जिसमें से मैंने कुछ ऐप्स इंस्टॉल किए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अवेलेबल जो स्पेस है 4.71 दिख रहा है। तो यहाँ पे सारे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल का जो लास्ट अपडेट है इसमें 5 अगस्त का है, और भी अपडेट्स आपको जब मिलेंगे तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा 7000 में। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट में, यहाँ पे कमिंग सून में दिखा रहा है। आप यहाँ पे नोटिफाई मी करके रख सकते हैं अगर आपको ये फ़ोन परचेज़ करना हो तो। यहाँ पे आपको 25 अक्टूबर को इसका सेल है 12 नून में, और इसका जो प्राइस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डिस्काउंट प्राइस है। बाकी बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरा और बाकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो ये रहा इसका कैमरा। कैमरा में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसका जो कैमरा इंटरफेस है वो काफ़ी सिंपल है, और यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगा जो आप स्वाइप करेंगे। तो यहाँ पे स्वाइप करते वक्त आपको यहाँ पे, जैसे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे सारे मोड्स हैं, फ़ोटो मोड, वीडियो मोड, और यहाँ पे टाइम लैप्स। पोर्ट्रेट मोड इस फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है और एवरेज भी नहीं माना जा सकता, एवरेज से थोड़ा नीचे है। अगर आपको पोर्ट्रेट मोड यूज़ करना है तो काफ़ी अच्छे लाइटनिंग कंडीशन में और उस फोटो को कैप्चर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ोन के कैमरे में क्वालिटी जो है, स्क्रीन ऑन स्क्रीन क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन जब भी आप कैप्चर करके उसको अपने लैपटॉप में या फिर किसी और डिवाइस में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैमरा का क्वालिटी जो है वो उतना खास नहीं है। फिर भी इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्यूटिफिकेशन मोड, यहाँ पे आपको जूम के लिए मिल जाता है, जूम आप जूम कर सकते हैं। बाकी आपको अगर पोर्ट्रेट मोड यूज़ करना है तो यहाँ से आप पोर्ट्रेट मोड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बस बैक कैमरे में। बैक कैमरा ड्यूअल है इसीलिए पोर्ट्रेट मोड मिल रहा है, फ्रंट कैमरे में आपको पोर्ट्रेट मोड नहीं मिलता है। तो ये था इसका कैमरा स्पेसिफिकेशन, जो कि इसका बैक कैमरा है 13+2 मेगापिक्सल का है विद फ्लैश, और इसका जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है
जिसमें आपको फ्लैश नहीं मिलता है। इसका जो तो देख सकते हैं, इसका जो बॉडी रेशियो स्क्रीन जो है 18:9 का, जो इसमें स्क्रीन मिलता है, तो इसका फुल बॉडी स्क्रीन है। यहाँ पे आपको जो बीजल मिलते हैं बस नीचे की ओर थोड़ा सा मिलता है और ऊपर एक नॉच मिलता है। तो डिस्प्ले इसका काफ़ी अच्छा और वाइब्रेंट है। यहाँ पे इसका डिस्प्ले जो क्वालिटी है 720p पैनल है, तो आप उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसका जो बॉडी है वो 5.5 इंच के फ़ोन के जितना ही है, थोड़ा सा नीचे आपको मिल सकता है कि माइनरली थोड़ा सा लॉन्ग है हल्का सा। बाकी ये 5.5 इंच के बॉडी में ही आपको 6.2 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। 6.2 इंच का इसका डिस्प्ले है जो कि काफ़ी अच्छा है, अट्रैक्टिव दिखता है। पीछे आपको मिल जाता है डुअल कैमरा, तो इस फ़ोन को कम्प्लीटली लुक वाइज आप देख सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छा दिखता है ये फ़ोन। नीचे आपको मिल जाता है इसका हेडफोन जैक, चार्जिंग पोर्ट जो कि USB। तो इस फ़ोन में आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है। इसमें आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन मिलता है जो कि वर्क करता है, लेकिन लाइट कंडीशन अच्छा रहना चाहिए, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। फिर आपको स्वाइप करके इसका पासकोड यूज़ करना पड़ेगा जो काफ़ी इरिटेटिंग है, और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर दे देना चाहिए। लेकिन इस प्राइस पॉइंट में उन्होंने जैसा कि स्क्रीन को मेंटेन किया है, प्लस इसके थोड़े मोड़े जो फीचर्स हैं वो मुझे सही लगे। बाकी इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है वो आपको काफ़ी ज़्यादा खलेगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट सेंसर रहने पे आप डार्क में भी फ़ोन को आसानी से अनलॉक कर सकते थे, लेकिन इसमें फेस अनलॉक दिया गया है जो कि थोड़े मोड़े प्रॉब्लम्स और इश्यूज क्रिएट करते हैं लो लाइट में। बाकी ये अच्छा काम करता है फेस अनलॉक। इसका चार्जिंग पोर्ट जो कि USB माइक्रो USB है, इसका कोई टाइप सी नहीं दिया गया है। यहाँ पे स्पीकर ग्रिल दिया हुआ है, इसका स्पीकर है, लाउड स्पीकर यही है। यहाँ पे माइक दिया गया है। टॉप में आपको कुछ नहीं मिलता है, साइड में आपको मिल जाता है इसका जो वॉल्यूम अप एंड डाउन का की, और यहाँ पे सिम स्लॉट, यहाँ पे आपको मिल जाता है। दो सिम आप लगा सकते हैं प्लस SD कार्ड, तो इसमें कोई हाइब्रिड सिम का झमेला नहीं दिया गया है। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका पावर की है, पावर की से आप स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी इस फ़ोन का मुझे सबसे अच्छा चीज़ जो लगा ये इसका डिस्प्ले है। बाकी इसकी जो मेमोरी स्टोरेज है वो काफ़ी कम हो जाती है अगर आप 16 GB वेरियंट को परचेस करते हैं तो। अगर आपको ये मॉडल परचेस करना भी है तो आप 16 GB ना करें, 32 GB में जाएं। 32 GB में आपको एटलीस्ट इतने मेमोरी मिल जाएगी जिसमें आपको आपके सारे काम आसानी से उसमें हो जाएंगे। 16 GB में आप जैसे ही कुछ ऐप्स इंस्टॉल करेंगे उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो मेमोरी काफ़ी जल्दी फुल हो जाता है और आपको यूज़ करने के लिए स्पेस बहुत कम मिलता है, जिसकी वजह से फ़ोन लैग भी कर सकता है। और इसका जितना भी एक्स्ट्रा फीचर्स है वो मैं इस वीडियो में बताता हूँ। इसमें कुछ कुछ गेस्चर दिए गए हैं जो काफ़ी इस फ़ोन को सिमिलर बनाते हैं iPhone 10 के गेस्चर्स को लेके। जैसा कि मैंने ये ओपन किया और यहाँ से मैं अगर स्वाइप करूँगा तो ये बैक हो जाएगा, होम स्क्रीन में चला जाएगा। और इसके जो नीचे नेविगेशन कीज़ है जो यहाँ पे बैक होम का, और ये मैंने सेटिंग से हटा के रखा हुआ है। और यहाँ पे स्मार्ट गेस्चर का जो इसमें दिया गया है, और जो इसका फीचर है स्मार्ट कन्वीनियंट आपको सेटिंग्स में मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो पैनल है नीचे का, उसे आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। बैक का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे स्मार्ट ऑन कन्वीनियंट में, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। नेविगेशन की का जो पूरा पैनल है यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं, या फिर इसको आप एनेबल भी कर सकते हैं। एनेबल कर देने पे ये इस तरीके से दिखता है, और स्क्रीन का थोड़ा सा स्पेस लेता है इसीलिए आप इसको ऑफ करके भी रख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। और इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपका बैक की का जो पोजीशन है वो लेफ्ट और राइट आपको कहीं भी रखना है, तो इसमें से आप दोनों मोड में सेलेक्ट करके देख सकते हैं। लेफ्ट का यहाँ पे आ गया है बैक की, और यहाँ पे राइट आ जाता है। तो काफ़ी सारे फ़ोन्स में ये होता है कि बैक की जो रहता है वो आपको राइट में मिलता है, कभी लेफ्ट में मिलता है। तो जो भी आपका हाथ में अगर अच्छा लगे कि बैक हमको लेफ्ट में चाहिए फिर राइट में, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे स्वाइप आपका जो गेस्चर नेविगेशन है उसको एक्टिवेट करके उस पैनल को वहाँ से हटा सकते हैं। तो यहाँ से बैक देख सकते हैं, यहाँ पे तीन आपको मोड मिलते हैं, तीन
तीनों मोड में मैं बता देता हूँ किस तरीके से वो काम करता है। अगर मैं पहला सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट में अगर मैं स्वाइप अप करूँगा तो वो बैक होता है। अगर मैं सेंटर से स्वाइप अप करूँगा और थोड़ा सा होल्ड देख सकते हैं यहाँ पे स्वाइप अप टू गो टू द होम स्क्रीन। अगर मैं यहाँ से स्वाइप अप करूँगा तो ये होम स्क्रीन पे चला जाएगा। अगर मैं सेंटर से स्वाइप अप करके होल्ड रखूँगा तो रिसेंट जो मेरे मेन्यूज़ खुले हुए हैं जो भी टास्क हैं वो दिखेंगे मुझे। यहाँ से आप देख सकते हैं अगर मैंने थोड़ा सा स्वाइप करके और होल्ड किया तो वो जितने भी मेरे रिसेंट टास्क हैं ओपन किए हुए वो सब खुल जाते हैं। तो ये एक तरह से आईफोन, अगर आप जानते हैं कि iPhone 10 में जो गेस्चर दिए हुए हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं, तो इसमें भी उस तरीके का सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं जो सेकेंड मोड है उसमें भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि किस तरीके से वो बैक होता है और किस तरीके से आप मल्टीटास्किंग को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से कुछ किसी भी एक को आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके रख सकते हैं। बाकी इसमें जो बैक करके मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे SSD बॉल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे दो तरह का मिलता है, एक ये बॉल से आप डायरेक्ट डबल टैप, सिंगल टैप और टच एंड होल्ड करके इन तीनों टास्क को कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपको बैक जाना है तो बस इसमें सिंपली टैप करना है, बैक हो जाएगा। यहाँ पे डबल टैप करना है, मल्टीटास्किंग का आ जाएगा। उसी तरीके से आपको यहाँ पे टच एंड होल्ड करने पे ये होम स्क्रीन पे ले जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये काफ़ी हैंडी फीचर है इस फ़ोन में, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन मिल जाता है तो आपको इसके लिए कुछ भी ऐप या कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। तो इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे, हैंडी फीचर लगे, उसको आप एक्टिवेट करके रख सकते हैं। टैप मेन्यू में आप देख सकते हैं कि SSD बॉल में अगर आप टच करेंगे तो ये सारे मेन्यू अपेयर होंगे। यहाँ से होम स्क्रीन पे जा सकते हैं, ये लॉक करने का है, लॉक स्क्रीन है, ये मल्टीटास्किंग का है, ये स्क्रीनशॉट, ये बैक का है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा इसका पूरा नेविगेशन का जो स्मार्ट एंड कन्वीनियंट का सेटिंग्स। इस मोशन भी है, मोशन गेस्चर भी है। अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगे तो आप यहाँ पे थ्री फिंगर शॉट्स, जो स्क्रीन शॉट के लिए आप थ्री फिंगर यहाँ पे स्क्रीन पे स्वाइप करेंगे तो आपका स्क्रीन शॉट लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें सारे इसके हाईलाइट्स पॉइंट्स बता रहा हूँ, इस फ़ोन का डेप्थ मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो बताऊँगा तो फिर काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। तो स्मार्ट और कन्वीनियंट में जो सबसे यूज़फुल फीचर था मैंने वो बता दिया है, आपको बस अपने हिसाब से उसको सेट कर लेना है। बाकी बात करते हैं इसके बाकी ओवरऑल फीचर्स के बारे में। तो ये एंड्रॉयड 8.1 पे काम करता है, तो सारे फीचर्स और सब कुछ सेम मिलेंगे। जो इसका जो यूआई है वो यूआई आपको काफ़ी अच्छा और लाइट मिल जाता है। इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो इसका मेमोरी स्टोरेज का है। 16 GB वेरियंट आप लेके इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी फुल हो जाता है। बाकी आप इस फ़ोन पे आपको इस प्राइस पॉइंट में सब कुछ सेटिस्फाइंग मिलेगा। कैमरा वो भी अच्छा है, साउंड भी अच्छा है, और इसका जो स्क्रीन है वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है, काफ़ी ज़्यादा लाइट इसका जो स्क्रीन का है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। तो आप एकदम आसानी से सनलाइट में भी, आउटडोर में भी इसके स्क्रीन को आसानी से देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट इसके जो है वो शार्प दिखते हैं, क्लियर दिखते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। स्क्रीन इसका 6.2 इंच का है जो इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देता है। लेकिन इसका जो पैनल है 720p है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप YouTube वीडियोस प्ले करते हैं तो वो आपको उतने ज़्यादा हाई क्वालिटी में नहीं मिलेंगे। आपको जो लास्ट सेटिंग मिलेगा YouTube में, YouTube वीडियोस अगर आप प्ले करेंगे तो उसका जो YouTube वीडियोस में आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से जैसे ही मैं कोई वीडियो प्ले करता हूँ, YouTube वीडियोस को अगर आप यहाँ पे फुल स्क्रीन करेंगे तो फुल स्क्रीन में ये थोड़ा सा आपको डिस्टॉर्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा कि ये अब रियल साइज में 720p में चल रहा है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम पिंच करूँगा तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। लेकिन इसका जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ब करता है क्योंकि ये 720p पैनल है। और इस वीडियो का जो यहाँ पर आप सेटिंग मैक्स यूज़ कर सकते हैं वो आप यहाँ से मैक्स 720p में जा सकते हैं। अगर ये 1080p पैनल रहता तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देता फ़ोन को, बट ऐसा नहीं है। तो इस फ़ोन में आपको जो एडवांटेजेस हैं वो भी है, और डिसएडवांटेजेस है कि इस फ़ोन का जो पैनल है 720p है
और 6.2 इंचेस में आपको 720p पैनल, उतना अच्छा यूज़ नहीं लगेगा, उतना अच्छा डिस्प्ले नहीं देगा। काफ़ी अच्छा बड़ा डिस्प्ले तो दे दिया है, लेकिन 720p पैनल की वजह से इसका डिस्प्ले क्वालिटी आपको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा। बाकी आपको ओवरऑल इसमें स्क्रीन इसका बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा है। कैमरा भी इसका काफ़ी अच्छा वर्क करता है। पोर्ट्रेट मोड के लिए आप इस कैमरा को प्रीफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे लाइटनिंग कंडीशन में ठीक काम करता है। कभी कभार लाइट कंडीशन अच्छा रहने पे भी ये पोर्ट्रेट लुक उतना अच्छा नहीं देता है, बुके इफेक्ट उसका इतना अच्छा नहीं है। और बाकी ओवरऑल इस कैमरे में इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इस फ़ोन में जो आपको बैटरी मिलता है वो है 4230 mAh का, जो कि आपको फुल डे आराम से चल जाता है आपके लाइट यूज़ में। अगर आप हैवी यूज़र है तो ये हो सकता है 10 to 8 आवर्स के बाद फुल्ली डिस्चार्ज हो जाए, लेकिन आप इसको फुल डे यूज़ कर सकते हैं वन टाइम चार्ज करने पे। जो इसका एडाप्टर है, इसका एडाप्टर भी काफ़ी लो रेटिंग पे दिया गया है, 5 वोल्ट का 1 एम्पियर का एडाप्टर है। तो इसको फुल चार्ज करने पे आपको 3 to 4 आवर्स का टाइम लग जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको फुल चार्ज करने पे, क्योंकि इसका बैटरी बड़ा है और इसका जो एडाप्टर है वो काफ़ी लो रेटिंग का है, जिसकी वजह से आपको ये सब चीज़ इस फ़ोन पे फेस करने को मिल सकता है। तो ये फ़ोन ओवरऑल अच्छा है, ले सकते हैं आप इसको। अगर आपको ये वीडियो रिव्यू से कुछ अच्छा लगा इस फ़ोन के बारे में तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप अगर इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट में आपको ये मिल जाएगा इसका सेल डेट पे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।